नमस्कार, आज मैं फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए नए रेसिपी के लिए मेरा चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए दो आलू लिए हैं, नमक, चाट मसाला और मिर्चा पाउडर और तलने के लिए तेल। अब इसे हम छील लेते हैं। आलू छील करके हम पानी में आलू को डाल दिए हैं। अब इसे हम पतला पतला पीस में काट लेते हैं। और इसे काट करके तुरंत पानी में भी डालते जाएंगे। इस तरह से काट लिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। गैस ऑन करके एक बर्तन में पानी को बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक को डाल देते हैं। और आलू को भी डाल देते हैं। और ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट तक इसे हमें खौलाना है। इसे पूरा पकाना नहीं है, हल्का ही पकाना है। 2 मिनट हो गया। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसका पानी को हम छान लेते हैं। पानी छान लिए। अब इसे एक साफ टॉवल में सूखा पानी, इसका पानी को जो थोड़ा पानी है इसको सुखा लेते हैं हम। गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में तेल को डाल दिए हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। और गैस का फ्लेम को हाई रखना है और इसे चलाते भी रहना है। फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं गैस को ऑफ करके। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला को डाल देते हैं और लाल मिर्च पाउडर को भी डाल देते हैं। फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।